जिस तरीके से कानून में फेरबदल अपनी राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए किया जाता है, ये गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के पुत्र यानी चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई पर जोरदार हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फायदों के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से कानून को बदल रहे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। तो देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गरमाई हुई है, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ऐसे में जमुई से सांसद चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार को घेरा है और आनंद मोहन की रिहाई पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, अपनी राजनीति के फायदे में ये लगे हुए हैं और इसीलिए आनंद मोहन को रिहा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, किस तरह से आनंद मोहन की रिहाई पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। किसी को फंसाना हो तो कानून बना दिया जाए, किसी को बचाना हो तो कानून में फेरबदल कर दिया जाए। भाई, हत्या तो हुई है ना, हत्या तो हुई है और उसके बाद कानून में फेरबदल करके किसी को इस तरीके से रिहा कर दे, सोचिए उस परिवार के क्या बीती हो जिसने अपने को खोया। और ये कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जातियों की राजनीति कर रहे हैं, ये उसका एक और जीता जागता उदाहरण है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले के खिलाफ और हम लोग मांग करते हैं कि पुनर्विचार करें इसके और इस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बार बार कानून को अपने हिसाब से मोड़ना तोड़ना ये कहीं से उचित नहीं है। पहले भी आपने इस कानून आने वाले 28 नवंबर जो लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस होता है, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस दिन पार्टी की नींव रखी थी सन 2000 में। इस 28 नवंबर को हम लोग पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित हम लोग कर रहे हैं, उसी उद्देश्य के साथ परमंडलीय स्तर पर और जिला स्तर पार्टी के छोटे बड़े तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में। कि आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों में परमंडलीय स्तर पर अलग अलग बड़ी बड़ी रैलियां वो भी आयोजित की जाएंगी। जिस तरीके से कानून में फेरबदल अपनी राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए किया जाता है, ये गलत है।